दोस्तों, पहले के जमाने में लोग सुरंगों का इस्तेमाल गुप्त तरीके से रहने के लिए किया करते थे, लेकिन आज इन सुरंगों का इस्तेमाल आने जाने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी सुरंगें दिखाने वाले हैं जो आपका दिमाग पूरी तरह से घुमा देंगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन सुरंगों के बारे में। नंबर 5, टोक्यो बाय एक्वा लाइना टनल। हम आपको बता दें कि इस सुरंग का आधा भाग समुद्र के ऊपर मौजूद है, तो वहीं इसका दूसरा हिस्सा समुद्र की गहराइयों से होकर गुजरता है। साथ ही ये दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा लंबी सुरंग है। इस सुरंग में बाइक, कार जैसी कई चीजें आराम से चलाई जा सकती हैं। नंबर 4, चैनल टनल। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी सुरंग की जो समुद्र की गहराइयों में मौजूद है, और इस सुरंग को बनाने के लिए करीब 13,000 मजदूर लगे थे। तो वहीं इनमें से कुछ मजदूरों की मौत इस सुरंग को बनाते वक्त ही हो गई, और आज इस सुरंग में मेट्रो के जरिए आना जाना लगा रहता है। नंबर 3, मरमुरे टनल। दोस्तों, ये सुरंग भी समुद्र के नीचे बनाई गई है। हम आपको बता दें कि इस सुरंग की लंबाई करीब 30.6 किलोमीटर है, और आज इस सुरंग में मेट्रो चलाई जाती है। इस सुरंग में 2 रेलवे ट्रैक मौजूद हैं, तो वहीं इस सुरंग के अंदर 3 रेलवे स्टेशन भी है। नंबर 2, लेग्रेडल टनल। दोस्तों, ये सुरंग ऐसी सुरंग है जिसको मेट्रो चलाने के लिए नहीं, बल्कि कार और ट्रक जैसे वाहनों को चलाने के लिए बनाया गया है। हर रोज इस सुरंग के नीचे से 1,500 कार और ट्रक गुजरते हैं, लेकिन ये सुरंग सबसे ज्यादा खतरनाक सुरंग कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। नंबर 1, गॉटहार्ड बेस टनल। दोस्तों, ये विशाल सुरंग स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी सुरंग भी कहा जाता है। इस सुरंग की खास बात यह है कि ये सुरंग पहाड़ों के नीचे मौजूद है, और ये सुरंग कुछ ही घंटों में यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी सुरंग सबसे ज्यादा शानदार लगी आपको, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही रोहताश कुमार और बिग नेपाल हमारे दो ऐसे व्यूअर हैं जो हमें प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाए, तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।